अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को फूडी मैनिक का सलाम पहुंचे। मेरे चैनल पर आने वाले तमाम मौजूद व्यूवर्स को खुश आमदीद और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैंने सोचा आज फ्राइडे है तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ एक डिज़र्ट की रेसिपी और इस डिज़र्ट का नाम है अंडे का हलवा। एक मिनट रुकें जरा। अंडे का नाम सुनते ही भागे मत। जी बिल्कुल है तो ये अंडे का हलवा, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़े का है। इवन जो लोग अंडा नहीं खाते वो इस हलवे को बनाकर ज़रूर खा सकते हैं। और आपको एक सीक्रेट बात बताऊँ, अंडा मैं भी नहीं खाती, लेकिन जब मुझे अंडा खाना होता है तो मैं उसका हलवा बना लेती हूँ। तो इस तरह मेरी बॉडी में अंडे का प्रोटीन भी चला जाता है और मुझे अंडे का गंदा टेस्ट भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। तो चलें देखते हैं हम इस अंडे को के हलवे को कैसे बनाएंगे। जी तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें चाहिए 2 eggs, मतलब के 2 अदद अंडे। उसके बाद हमें चाहिए 1 cup बॉयल्ड मिल्क, आप टेट्रापैक मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमें चाहिए 10-12 बादाम, इनको हमने बारीक काट लेना है। उसके बाद हमें चाहिए 2 tablespoons कुकिंग ऑयल, आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 3.5 tablespoons हमें चाहिए शुगर। देन 1 pinch हमें चाहिए जर्दे का रंग और 2 अदद हमें चाहिए इलायचियाँ, आप इसका पाउडर यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और टेबल स्पून मैंने कौन सा यूज़ किया है, ऑयल और शुगर को किससे मेजर किया है मैंने आपको वो भी दिखा दिया। और पिंच चुटकी मेजर करने के लिए हम 1/4 teaspoon भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमने इसको जर्दे के रंग को कम ही यूज़ करना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एग्स को लेंगे एक बॉल में, उन दोनों एग्स को तोड़ लेंगे, मतलब कि दोनों एग्स को निकाल लेंगे उसकी शेल में से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दोनों एग्स निकाल लिए। अब मैं क्या करूँगी, इन एग्स को बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी, मतलब कि इनको मैं एक फॉर्क लेके मिक्स करते जाऊँगी, फेंटते जाऊँगी और बहुत ही अच्छे से बीट कर लूँगी कि उसमें ऊपर थोड़े थोड़े बबल्स आ जाएं। अभी आप देखेंगे कि इसमें बबल्स आ गए, इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया और इसमें बबल्स आ गए। उसके बाद अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हमें हलवे को पकाना है, चूल्हे पर रखना है। तो यहाँ मैं एलुमिनियम की देगची यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं मिल्क डाल दूँगी और उस मिल्क के अंदर मैं बीटन एग डाल दूँगी जो मैंने अंडा फेंटा था। ये देखें ये यहाँ पे जो है हमारा बीटन एग भी इसमें चला गया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये यहाँ पे मिक्स हो गया। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके जो है जर्दे का रंग डालते जाएंगे। देखें पहले मैंने थोड़ा सा डाला उसको मिक्स किया, फिर थोड़ा सा डाला उसको मिक्स किया, जहाँ पे आपको आपका डिज़ायर्ड कलर मिल जाए आप इसको वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। मेरा बस ये लास्ट है, बल्कि ये ज़्यादा ही हो गया, आप कम ही रखें तो बेहतर है। बस थोड़ा सा हमने इस पर कलर देना है अंडे के ऊपर, मतलब अजीब से ना लगे। अब हम इसको गैस पे रख के फ्लेम को ऑन कर लेंगे। देन अब हमने इसको कंटिन्यूस चलाते जाना है। बस अब अंडे के हलवे में जो मेन काम है वो हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले मैं इसमें इलायची भी डाल दूंगी जो कि साबित है, आप पाउडर यूज़ कर लीजिएगा, मेरे पास पाउडर नहीं था और ये 2 इलायचियों का पाउडर ग्राइंडर में बन भी नहीं सकता था, तो मैंने इसलिए इसको साबित ही यूज़ कर लिया। इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, आप इसके अलावा मेल्टेड बटर या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम चलाते जाएंगे और लो फ्लेम पर जो है इसको पकाएंगे। यहाँ पर मैं इसको 2 मिनट पकाऊँगी और फिर आपको दिखा दूँगी। देखिए मैंने फ्लेम लो किया है और मैं इसको पका रही हूँ। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये थिक होता जा रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है चेंज होती जा रही है। अब देखें मुझे यहाँ इसको पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसको मैं 2 मिनट मज़ीद पकाऊंगी। ये देखें इसको बस मैं कंटिन्यूस जो है ना चलाते रहूँगी, आपने भी इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है। उसके बाद देखें ये मैं 2 मिनट मज़ीद पकाया तो ये ऐसा हो गया, मतलब कि थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में आ गया। जब इसकी शेप ऐसी हो जाए, इसकी शक्ल स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में, तब हम इसमें शुगर डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम शुगर डालेंगे तो ये हलवा दोबारा से एकदम पतला हो जाएगा, क्योंकि शुगर अपना पानी छोड़ देती है तो उसमें बहुत सारा पानी आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये तो अभी इतना गाढ़ा हो गया था और थिक हो गया था और इसके अंदर इतना सारा पानी कैसे आ गया, ये पानी जो है शुगर ने छोड़ा है। देखें अभी ये कम पानी है, अभी ये थोड़ी देर बाद और ज़्यादा पानी भी हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको मिक्स करते जाएंगे और अब हम इसको देखें कितना इसमें पानी आ गया है ना। अब इसको हमने पकाते जाना है। अब फिर ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें अब ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रहा है, कोई मैंने इसको 1 मिनट पकाया है और ये थिक हो गया। ये देखें अब मैं यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लूँगी और इसका पानी ड्राई करूँगी।
अब हमने इसको जब तक पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाए। इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा और जो हलवा है वो पतीली के किनारे छोड़ना शुरू कर देगा। इसमें पानी नहीं बचेगा, जो हमने ऑयल यूज़ किया था इसमें हल्का सा ऑयल बचेगा, लेकिन इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका सारा पानी ड्राई हो रहा है और मैंने फ्लेम जो है थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है, मतलब कि मैंने मीडियम पे किया हुआ है। देखनी छोटी है इसलिए फ्लेम जो है बाहर भी आपको नज़र आ रहा है। ये देखें ये कैसे एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो गया। बस यहाँ पे देखें पतीली ने जो है साइड्स भी छोड़ना शुरू कर दी हैं, हलवे ने पतीली की साइड्स छोड़ना शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पे आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारा हलवा जो है ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। देखें किस तरीके से स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में आ गई। ये देखें ये साइड छोड़ रही है ना पतीली की, तो ये इसका मतलब कि ये रेडी हो गया। इसको बस हम एक मिनट के लिए और पकाएंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखें ये यहाँ पे हमने ये देखें सारी साइड्स जो है ना इसने छोड़ने शुरू कर दी हैं। यहाँ पे ये हमारा हलवा एकदम रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा अंडे का हलवा रेडी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। इसको एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और वैसे एज अ डिज़र्ट भी खा सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे तब आप इसको खा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार सी डिज़र्ट की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको सिर्फ एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड एंड बी पॉजिटिव।